सुना है इसका? हाँ सुना है। ऑड मैन आउट इसका नाम है। मतलब क्या है इसमें ना? ऑड मैन आउट। अच्छा ऑड मैन आउट है, इसको ऑड मैन कर दो या ऑड वन कर दो। ठीक है सुना। देखो इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन का आपको सेट मिलेगा, ठीक है ना, उसमें एक जो होगा वो बाकी ऑप्शन से डिफरेंट होगा, तो आपको उसको आउट करना है, मतलब वो आपका आंसर बनेगा। जैसे कुछ ऐसा रहे कि ऑप्शन ए है, ठीक है, क्या करोगे आंसर? क्यों बॉबल्स है? अच्छा जैसे कुछ ऐसा रहे कौन सा ऑड है? कैसे टेन टेन गैप है? अच्छा 25 + 10 + 10 ऐसे, इन दोनों में तो 20 का गैप है। एक्चुअली इन हाँ ऐसे देखो, ठीक है, तो इसमें दो तरह के आंसर बनते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। पूछोगे कैसे? ये सारे ना ऐसा है 25 5 × 5 35 5 × 7 45 5 × 9 65 5 × 13। ये जो बाकी वाले हैं ना ये सारे प्राइम्स नंबर हैं और ये नॉन प्राइम है, मतलब ये बाइफर्केट हो सकता है इसीलिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया बताना, काम कर पकड़ना इसको सीट। हो गया ठीक दे। कैसे 324 का 18 का स्क्वायर तो क्या है?
देखो जब आपको नंबर में ज़्यादा का गैप मिले ना तो सीधा आपको स्क्वायर देखना या क्यू देखना, ठीक है? तो एक दो देख लो स्क्वायर, जैसे ये है 17 का स्क्वायर, नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं चलता, ठीक है ना? जैसे ये 17 स्क्वायर है, ये देखो आपको एक क्लू मिलेगा, आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा जहाँ से क्लू जनरेट होगा, जैसे ये 18 का स्क्वायर है, ठीक है? फिर जैसे ये 32 का स्क्वायर है, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है? 625 है ना, तो कुछ ऐसे सिमिलर नंबर रहेंगे जहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, चार कॉमन होंगे और उसमें से एक आउट करने, ये आप जैसे आपने तुरंत बोल दिया ना 65, ये आपका तभी फाइंड आउट होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इसमें, इसका कोई और रूल्स नहीं है। तो आप बनाना स्टार्ट करो, जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मिट गया है, जैसे जग है, कप है, मग है, पीचर है और कंटेनर है, क्या होगा? नहीं सुना नाम इसलिए, क्या पीचर मतलब क्या होता है? जग है, कप है, मग है, पीचर है और कंटेनर है, क्या होगा बताओ? फाइव तक बनाना, एक बार फाइव तक फटाफट बनाना, जल्दी जल्दी बताओ ना, फाइव तक बनाओ तो सही, फिर तो बता दो क्यों, क्यों कंटेनर में पानी नहीं ले सकते? कप क्यों? कप छोटा होता है, मग बड़ा होता है। पांच तक करो जल्दी जल्दी, फिर बताता हूँ सबके विथ एक्सप्लेनेशन।